गुजरात में वडोदरा में धार्मिक झंडा लगाने को लेकर दो समुदाय आपस में भिड़ गए और जमकर पथराव किया गया। ये जो मामला है ये सावली कस्बे का है, जहां दोनों तरफ से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और माना ये जा रहा है कि सावली में एक समुदाय के लोग बिजली के खंभे पर धार्मिक झंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे समुदाय ने इस पर आपत्ति जताई। धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई। इसके बाद दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शनिवार को हुई इस घटना में पुलिस ने करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। सावली टाउन में सब्जी मार्केट के पास एक मुस्लिमों का त्यौहार आ रहा है, इतने उस संबंध में एक लाइट के पोल के ऊपर उनके धर्म की ध्वजा लगाई हुई थी। पास में हिंदू का मंदिर था, तो उनको ऐसा उनके धर्म की आहट धर्म के बाबत में। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनकी आस्था को आहट पहुंची है, उस तरह से उनको बताने गए तो उसके अंदर बुलाचाली हुई और फिर उसके अंदर झगड़ा हो गया, तो उसके अंदर दोनों पक्षों के सामने फरियाद दाखिल हुई है और पुलिस अभी सब दोनों तरफ से आरोपियों को अरेस्ट किया हुआ है। वहाँ मारामारी हुआ, पथराव हुआ और सभी आजू बाजू जो गाड़ियां पड़ी थी उनके नुकसान भी बहुत हुआ है। और नमस्ते इंडिया में अगली बड़ी जो खबर है वो भी गुजरात से ही है। खेड़ा में भी गरबा के दौरान पथराव की घटना हुई है। मटर इलाके में नवरात्रि के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई है। गरबा खेलने के लिए दूसरे पक्ष का हमला। गरबा खेल रहे 150 से 200 लोगों पर यह हमला हुआ है। आला अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो गुजरात के खेड़ा की ये घटना, जहां मटर इलाके में पत्थरबाजी की घटना हुई है, तो गुजरात में अलग अलग जगह तनाव की तस्वीरें सामने आ रही है, तनाव की घटनाएं सामने आ रही है। जो मातर पुलिस स्टेशन है उसका उंडेला गांव है, वो गांव में रात को जब नवरात्रि का त्यौहार सेलिब्रेशन कर रहे थे, तब एक आरिफ करके और जहीर करके लड़का है, वो दोनों ने उसकी अगुवाई में एक टोला लेके आए थे और जो भी व्यक्तियों थे सब ने फिर डिस्टर्बेंस स्टार्ट कर दिया और जो गांव के लीडर्स है उन लोगों ने उनको समझाने की भी ट्राई की, लेकिन वो लोग माने नहीं और उनके साथ झगड़ा करने लगे और फिर थोड़े दूर जाके पत्थर मारा स्टार्ट किया, दो स्टोन पेल्टिंग किया, उसमें बहुत 6-7 लोगों को छोटी मोटी इंजरी हुई है, उसकी अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट चालू है। और जितने भी लोग थे आरोपी में, तो कौन कौन थे वो सब अभी ग्रामजनों जो है उनकी पूछताछ करके उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।